Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. Addressing a public rally in Abala, a Congress MP and Lok Sabha LVP Rahul Gandhi emphasized that the Haryana government represents the first step toward change. He stated his commitment to understanding the flow of money impacting the poor, insisting that would not back down from this issue. Gandhi criticized the smaller parties in Haryana, claiming they operate as extensions of the BJP, asserting that the real contest is between BJP and Congress, a battle of ideologies where justice pairs off against injustice. He declared this is not Modi ji's government, this is Adani's government, and expressed the desire for a government that represents farmers and the poor in Haryana. और सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सही बात। मगर उतनी ही जरूरी बात जेब में, हमारे लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा खींचा जा रहा है। आपके पास सामान हो, मोदी जी आपके 24 घंटा रिस्पेक्ट करें, मगर 24 घंटा आपके जेब में से पैसा निकलता जाए और आपके जेब में पैसा ना आए तो सम्मान हो सकता है मगर भूखे मर जाएंगे। तो सम्मान की जगह है मगर मेरे लिए उतना ही जरूरी सवाल कि हमारे गरीब लोगों के जेब में, उनके बच्चों के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, सीधी सी बात। और आपको यह पूछना है कि क्या हमारे जेब से ज्यादा पैसा निकल रहा है या वापस जेब में ज्यादा पैसा अंदर आ रहा है। यह सिंपल सी बात। और अगर निकल रहा है, खींचा जा रहा है, तो कैसे निकल रहा है, कौन निकाल रहा है, और अगर जेब में आ रहा है तो कौन डाल रहा है और कैसे डाला जा रहा है। आप सोचिए, अदानी जी के बारे में सोचिए, वो सुबह उठते हैं, खेत में मेहनत नहीं करते, फावड़ा नहीं चलाते, छोटे बिजनेस में काम नहीं करते, अच्छा खाना खाते हैं, सबसे बड़े महलों में रहते हैं और हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ पैसा आता है नॉन स्टॉप। मतलब जैसे सुनामी आती है ना, वैसे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसा घुस रहा है। और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। आप कहते हो भाई महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, और सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सही बात। मगर उतनी ही जरूरी बात जेब। सीएम नायब सिंह साइन स्टेटेड दैट ही हैड पोस्ड सेवरल क्वेश्चंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ हरियाणा एंड एक्सप्रेस हिज होप that Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra would provide answers. आज छह कार्यक्रम है मेरे, सर मैं लेट हो रहा हूँ, मैं आप खड़ा, मैं बात नहीं करती, मैंने इसी में से उसी में ही करना, उसमें से ही चला। हरियाणा
चोट लग जाएगी यार। राहुल गांधी आ जा रहे आए हुए हैं, प्रियंका गांधी भी है। मैंने कहा है, कुछ क्वेश्चन पूछे हैं हरियाणा की जनता की तरफ से, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो कुछ ना कुछ उत्तर दे करके जाएंगे। लीलाराम ने सुरजेवाला को चेतावनी दी कि हमसे बड़ा को गुंडा नहीं है, अगर वो हाथ में रह के चुनाव लड़ेंगे ठीक है, वरना हमसे बड़ा को गुंडा नहीं है। नहीं देखिए, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, शालीनता से होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गुंडागर्दी करेगा, शायद इन्होंने उस भाव इनका होगा भी हम गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलने देंगे और गुंडागर्दी चलने भी नहीं देंगे, ये मैं भी कह रहा हूँ। अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसको नहीं चलने देंगे। मैंने कहा है, कुछ क्वेश्चन पूछे हैं हरियाणा की जनता की तरफ से, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो कुछ ना कुछ उत्तर दे करके जाएंगे। लीलाराम ने सुरजेवाला को चेतावनी दी कि हमसे बड़ा को गुंडा नहीं है, अगर वो हाथ में रह के चुनाव लड़ेंगे ठीक है, वरना हमसे बड़ा को गुंडा नहीं है। नहीं देखिए, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, शालीनता से होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गुंडागर्दी करेगा, शायद इन्होंने उस भाव इनका होगा भी हम गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलने देंगे और गुंडागर्दी चलने भी नहीं देंगे, ये मैं भी कह रहा हूँ। अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसको नहीं चलने देंगे। लीलाराम ने सुरजेवाला को चेतावनी दी कि हमसे बड़ा को गुंडा नहीं है, अगर वो हाथ में रह के चुनाव लड़ेंगे ठीक है, वरना हमसे बड़ा को गुंडा नहीं है। नहीं देखिए, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। I am Prime Minister Ashwini Vaishnaw remarked that Mithun Das is an actor personality who has carved out a distinctive identity in the film industry after facing significant struggles in his life. He expressed that it is a matter of food fortune that someone as hardworking, socially aware and empathetic as Mithun Das is being honored with the Dada Saheb Phalke Award. Vaishnaw noted that Mithun Das has made a unique mark in various fields, including popular cinema, social work, and public advocacy. देखिए, PHQ में आज मीटिंग हुआ है। पहले भी मैंने दो बार यहाँ पर आया था, तो आज यहाँ पर DGP साहब भी थे और IGP से शुरू करके ऑल सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, उसके बाद SP, हमारा CS साहब भी हमारे साथ थे, होम सेक्रेटरी भी थे, तो सब मिलके हम लोग आज यहाँ पर रिव्यू किए। बार बार हमने कहा, मिथुन दा एक ऐसे एक्टर और एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने जीवन में संघर्ष के बाद, बड़े कड़े संघर्ष के बाद, अपनी ऐसी पहचान बनाई पूरे सिने जगत में, जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए आज उनको जो अनाउंसमेंट हुआ है, ये हमारा सौभाग्य है कि मिथुन दा जैसे कर्मठ, जैसे सजग और समाज के प्रति भावना रखने वाले ऐसे एक एक्टर को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। मिथुन दा ने उनकी पहली फिल्म भी ले अगर मृगया, वहां से अपना एक अलग निशान, अपनी एक अलग छाप रखी थी। पॉपुलर फिल्मों में हो, सामाजिक कार्यों में हो, पब्लिक कॉज के लिए लड़ना हो, हर क्षेत्र में मिथुन दा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये गौरव है भारत का, समाज का, पूरे सिनेमा जगत का कि मिथुन दा को दादा साहेब फाल्के अवार्ड। सर, काफी लंबा सफर रहा है उनका, बॉलीवुड नहीं बाकी और भी जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी उन्होंने काम किया है। कब तक अवार्ड उनको फिजिकली हैंड ओवर किया गया? अवार्ड की सेरेमनी का पूरा प्रोसेस होता है, बहुत जल्दी वो सारी डेट्स और फॉर्मूला। Minister Manik Saha announced that a law and order review meeting was conducted with senior police officials in the state. He highlighted that the Tripura ranks among the top states in the country regarding law and order, acknowledging the challenges posed by the state's
landlocked status and its border with Bangladesh. He point out the drug problem affecting the region. Saha emphasizes the importance of proper coordination between the police, BSF and other parliamentary forces and stresses the need for field visits. He concluded that this meeting would be highly beneficial. देखिए PHQ में आज मीटिंग हुआ है, पहले भी मैंने दो बार यहाँ पर आया था तो आज यहाँ पर DGP साहब भी थे और IGP से शुरू करके ऑल सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, उसके बाद SP, हमारा CS साहब भी हमारे साथ थे, उन सेक्रेटरी भी थे, तो सब मिलके हम लोग आज यहाँ पर रिव्यू किए। बार बार हमने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन त्रिपुरा में हमेशा जो अच्छी तरह से अभी हो रहा है ये हमेशा सस्टेन रहे। आप लोग जानते हैं जो पूरा देश में 28 पूर्ण राज्य है उसमें त्रिपुरा अभी नीचे से थर्ड पोजीशन में है लॉ एंड ऑर्डर में, तो बहुत सारा पैरामीटर है तो उस हिसाब से इसका तो है ही। तो फिर भी मैंने कहा क्योंकि त्रिपुरा पूरा लैंडलॉक स्टेट है तो बांग्लादेश मैंने चारों तरफ बांग्लादेश है तो यहां पर ड्रग का समस्या है, यहां से भी बाहर में भी जाता है, आसाम होके जाता है तो मिजोरम होके जा रहा है आ रहा है, तो इसको लेके हमने बात किया और एक कोऑर्डिनेशन हो पुलिस और जैसे BSF और बाकी जो पैरामिलिट्री और ये सब इनके साथ हमेशा कोऑर्डिनेशन का है। मैंने ये भी कहा कि जितना अपना जो जो जिस रैंक में पुलिस ऑफिसर है सभी जगह जाए, फील्ड विजिट करे, इसके ऊपर मैंने जोर दिया। और जहां तक ट्रैफिक का यहां पर समस्या है, ट्रैफिक के लिए भी आज बातचीत हुआ और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें। हमारा सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जब हम लोगों को अभी ये चांस मिला है जनसाधारण के लिए कुछ काम करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें, तो ये हमने कहा। और मैंने डेली रिपोर्ट एक रूटीन बनाए, कौन कौन ऑफिसर कहाँ कहाँ जाएंगे और ये रिपोर्ट हमारा पास आए, तो ये पूरा बिल्कुल सब लेके हम लोग बात किए। पूजा भी है तो पूजा में यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरह से रहे, तो यही अभी ये सब चीज के लेके बात हुआ। मैं समझता हूँ ये एक्चुअली ये रिव्यू मीटिंग से फायदा होगा सबको। In Mumbai, Maharashtra, Union Minister Kiran Rijiju addressed the upcoming assembly elections, stating BJP will take revenge from those who insulted and humiliated Baba Saheb Ambedkar. He underscored the party's commitment to honoring Ambedkar's legacy. Rijiju also discussed reforms in the minority affairs ministry, emphasizing that it was previously focused solely on Muslim affairs but has now been restructured to ensure equality among all minorities. He highlighted that the significant Buddhist population in Maharashtra and pledged to work for their rights and welfare, assuring that no injustice would be tolerated. देखिए ये तो कोई राजनीतिक विजिट तो है नहीं, चैत्य भूमि में आना ये मेरे लिए एक अपने आदर्श पुरुष बाबा साहब अम्बेडकर को मेरा तरफ से नमन करने के लिए मैं आया हूँ। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, राजनीतिक विजिट तो है नहीं, और क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद मैं इस देश का एक बौद्ध कैबिनेट मंत्री होने के नाते ये मेरा एक दायित्व बनता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो जो काम किए हैं अधूरा है या उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए, ये सब विषय को सोचना मेरा दायित्व है क्योंकि मैं ही अकेला इस देश का बौद्ध कैबिनेट मंत्री है, तो मैं नहीं सोचूंगा तो फिर कौन सोचेगा। भारत सरकार में कैबिनेट में बैठ करके हम लोग काम करते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के वजह से आज एक बौद्ध को इस देश का लॉ मिनिस्टर बनाया, फिर इस देश का अल्पसंख्यक मंत्रालय का मंत्री बनाया, फिर पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मंत्री बनाया, तो मेरे ऊपर में इतना बड़ा दायित्व है तो काम तो करना है। और साथ में मैंने देखा है कि ये चैत्य भूमि में और बहुत कुछ करना बाकी है। प्रधानमंत्री ने 5 तीर्थ स्थल डिक्लेयर जो किया है जिसमें काम चल रहा है, वो बाबा साहब जी का जन्म भूमि से लेकर के
उसका महापरिनिर्वाण तक का बीच में शिक्षा भूमि है, दीक्षा भूमि है, जितने भी जगह को डेवलप करने के लिए जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका भी और अच्छी तरह से कैसा हो इसका भी हम बिल्कुल रिव्यू लेंगे। साथ साथ में महाराष्ट्र के अंदर में और देश भर में बाबा साहब के काम से जुड़े हुए जितना भी भूमि है, जितना भी और स्थल है, उसको भी सहायता देने के लिए मैं अभी एक रिव्यू ले रहा हूँ। महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी मेरा तरफ में पत्र आया है, लेटर आया है, और मैं भी यहाँ के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से बात किया है कि बाबा साहब से जुड़े हुए जितने भी जगह है महाराष्ट्र के अंदर में उसको चयन करके हम लोग उसको विकसित करना है। तो बहुत काम है, आज तो सिर्फ मैं यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ, पूजा करने के लिए आया हूँ, पॉलिटिकल विजिट नहीं है, लेकिन चुनाव है। आप लोगों इन बेगूसराय बिहार यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह एड्रेस्ड कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे'स रिसेंट कमेंट्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी ड्यूरिंग ए रैली इन जम्मू एंड कश्मीर। सिंह स्टेटेड नरेंद्र मोदी विल रिमाइन इन हार्ट्स ऑफ पीपल फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स नो मैटर हु लाइव्स आर डाइज एंड पॉज इज इन द प्राइम मिनिस्टर्स lasting connection with the public. His remarks underscores the ongoing political rivalry as the BJP continues to defend Modi's leadership amid criticism from opposition parties. मोदी को हटाएंगे नहीं तब तक हमारी मौत नहीं होगी। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी है, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे, तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर बास करते रहेंगे, कोई जिंदा रहे कोई मर जाए इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो भारत में गरीबों के मसीहा के रूप में। रसगुल्ला के वाले ने कहा है कि भाजपा ब्राह्मण विरोधी है और योगी ने ब्राह्मणों की हत्या करके अपना कद बढ़ाया है। देखिए ये ओछी इनके राहुल गांधी के तरह दत्तात्रेय गोत्र बताने वाले लोग हैं ये, और जो मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी रणदीप सुरजेवाला बताएं कि मुसलमानों के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, आज कहां से याद आ गया ब्राह्मण हिंदू ये वोट के खातिर ये किसी भी कीमत पर अपने चेहरे को बदल सकते हैं गिरगिट से जाकर। ओवैसी ने कहा है कि हजारों मकान अवैध बने हुए हैं, लेकिन मुस्लिम जो है मस्जिदों को ही भाजपा निशाना क्यों बनाती, उसे ही क्यों तोड़ती है मस्जिदों को? मस्जिद अगर अवैध बना हुआ है, यानी मान रहे हैं कि मस्जिद अवैध बना हुआ है, जो अवैध बना हुआ है उसे तोड़ना ही चाहिए। भारत में बंटवारे के बाद 2,500 मस्जिदों से 3,00,000 मस्जिद से ऊपर बन गए, और खास करके बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर पर अवैध मस्जिदों का जखीरा है, इसको पहचान करके इसको जल्द से जल्द तोड़ना चाहिए। ये आतंकवादियों को संरक्षण देने वाला ये मस्जिद है। हिजबुल्ला को लेकर जम्मू कश्मीर में कई पार्टी के द्वारा वहां सर इलेक्शन चुनाव को बंद कराने की बात कर रहे हैं। बिहार मिनिस्टर मंगल पांडे हैज स्टेटेड दैट द चीफ मिनिस्टर एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर क्लोजली मॉनिटरिंग द फ्लड सिचुएशन इन बिहार। He assured that the government is taking necessary steps to provide relief to those affected by the floods. Relief efforts include distributing food and ensuring that medicines are supplied by the health department to support the needs of the flood impacted population. Baad par mananiya mukhyamantri ji aur puri sarkar gambhirta ke sath nazar banaye hue hai, har sambhav sahayata पीड़ित लोगों को पहुंचाया जा रहा है। जो जलस्तर तेजी से पिछले दो दिनों में बढ़ा है, सभी जिलाधिकारी भी उस पर नजर रखे हुए हैं, और जहां कहीं बांध के टूटने के कारण कुछ प्रखंडों और पंचायतों में
जल जमा हुआ है या बाढ़ का पानी आया है वहां पे कम्युनिटी किचन के माध्यम से लोगों को खाना खिलाने की व्यवस्था की जा रही है, उनको पॉलिथीन और तिरपाल दिए जा रहे हैं, पशुओं के चारा की भी व्यवस्था की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जो आवश्यक दवाइयां हैं, दवाइयां और बोट एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। आज हमारे विभाग के एसीएस श्री प्रत्यय अमृत जी भी दरभंगा की ओर गए हैं और स्वयं जाके सभी चीजों पे नजर और निगरानी रख रहे हैं और हर सुविधाएं जो बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचानी है उस संदर्भ में सरकार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी दो दिन पहले भी समीक्षा हुआ था और प्रतिदिन मुख्यमंत्री जी हर पल बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और पदाधिकारी उन निर्देशों का अनुपालन भी कर रहे हैं। मैंने बताया कि जैसे विभिन्न उपाय और विभिन्न आवश्यक सहायता बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई जा रही है, चाहे वह पॉलीथीन के रूप में हो, चाहे कम्युनिटी किचन के रूप में खाने की व्यवस्था हो, या पशुओं के लिए पशुचारा की व्यवस्था हो, या उनको ऊंचे स्थान पर लाने की व्यवस्था हो, उसी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग भी जो आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करानी है उन दवाइयों को उन लोगों तक पहुंचाया गया है। उसमें सर्पदंश की भी दवाइयां हैं, अन्य भी दवाइयां हैं। जब बाढ़ आता है तो वहां जो ह्यूमिडिटी के कारण शरीर पे असर होता है तो स्किन के से संबंधित भी कई दवाइयों की और क्रीम्स वाइटमेंट की जरूरत होती है, वो सारी चीजें। और देयर हैज बीन ए नोटिसेबल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स एट मदुराडास मधुर हॉस्पिटल ड्यू टू सीजनल वायरल इन्फेक्शंस। द सर्ज इन केस has put additional pressure on hospital resources as individuals seek treatment for common symptoms like fever, cough and fatigue. Healthcare professionals are working diligently to manage the influx and provide adequate care while also advising the public on preventive measures to reduce the spread of these seasonal illnesses. देखिए अभी जो मौसम की बीमारियां बढ़ रही हैं उसमें अमूमन वायरल डिजीजेस, वायरल जॉइंट पेन्स, वायरल आर्थराइटिस और चिकनगुनिया, डेंगी, इनका मिक्स आ रहा है जिसमें कि प्लेटलेट की संख्या भी गिर रही है बहुत तेजी से। मरीजों की भीड़ अमूमन 20-30% बढ़ गई है ओपीडी में। उसके मद्देनजर रखते हुए हमने एक एक्स्ट्रा सीजनल डिजीज ओपीडी का संचालन किया है और जिसके आधार पर हम लोग इन पेशेंट्स को रिलीफ दे रहे हैं। टेस्ट की भी सुविधा कर दी गई है और ब्लड बैंक को भी इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि प्लेटलेट्स और प्लाज्मा का व्यवस्था रखें क्योंकि आने वाले समय में ये अभी कुछ दिनों तक और बढ़ेंगी। हालांकि अभी तक कोई परफेक्ट डेंगू की रिपोर्ट नहीं आई है पर जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी ये पॉजिटिविटी रेट बढ़ेगी और मेरे आमजन से यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग शाम को पूरे कपड़े पहनकर निकलें, मच्छरों से अपना बचाव रखें, घरों में मच्छरों का इंतजाम रखें और शाम को खास करके जब मच्छरों का फीडिंग टाइम होता है उस दौरान इंडोर्स रहें या पूरे क्लोथिंग पहनकर रहें जिससे कि आप लोग बचें इस इन्फेक्शन से क्योंकि ये डेबिलिटेटिंग इन्फेक्शन मारता नहीं है पर परेशान बहुत करता है। जोड़ों की समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अभी ये हॉस्पिटल सुविधा बिल्कुल नहीं है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और राउंड बाय राउंड चक्कर बे चक्कर कटवा रहे हैं, कभी इधर जाओ ऐसे ज्यादा के परेशान हो रहे हैं। मरीज की हालत यहाँ और ज्यादा खराब हो जाती है। तो हम मेरे को यहाँ 9:30 बजे में आ गया था और अभी फ्री नहीं हुआ हूँ और फोटो कॉपी मंगा रहे बाहर के, दो चार चार फोटो कॉपी करके चक्कर काटना पड़ रहा है। ये बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, फोटो कॉपी के लिए पता नहीं क्यों करा रहे हैं। मैं तो यहाँ लोकली हूँ ऐसे, लेकिन बाहर से आने वाले को बहुत ज्यादा परेशानी है। मेरा गांव देचू है लेकिन यहाँ आके देखा रहा हूँ, लेकिन बाहर से जो आ रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी है। तो प्रशासन से और सब मेरा कहना यही है कि कुछ सुविधा बनाए और मरीज को इधर उधर राउंड नहीं काटना पड़े, ये मेरा निवेदन आपको। ये तो अब यहाँ प्रशासन को, तो मेरा नाम अंबाराम है। हम भोपालगढ़ से आए हैं ना, तो काफी टाइम हो गया यहाँ पे खड़े रहते हुए। तो भीड़ कितनी है? भीड़ बहुत है यहाँ पे और परेशान भी बहुत हो रहे हैं, जैसे पेशेंट को लेके हम लोग बाहर बैठे, वो सफर कर रहे हैं उस चीज को लेके।
कितने किलोमीटर दूर से आए आप? हम 40 किलोमीटर दूर से आए। उसके बावजूद भी लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है और बहुत परेशान हो रहे हैं हम लोग। The BJP Telangana organized the BJP Praja Pratinidhila 24 hours Raitu Hamila Sadhana Diksha at Dharna Chowk. This event aimed to address farmers' issues and advocate for their rights, highlighting the party's commitment to rural welfare. Participants engaged in various activities throughout the day, calling for better support and policies for the agricultural community. The event also served as a platform for leaders to voice their concerns and rally support from the public. మీరు ఇస్తామన్న రైతు బంధు మర్చిపోయారు, మీరు ఇస్తామన్నటువంటి రైతు కూలీల గురించి మర్చిపోయినారు, మీరు ఇస్తామన్నటువంటి కౌలు రైతుల గురించి మర్చిపోయినారు, మీరు ఇస్తామన్నటువంటి మరి హామీలు పూర్తిగా విస్మరించి మర్చిపోయి మరి ఈ రోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైతులను మోసం చేస్తే ఈ రోజు కేవలం 9.5 నెలల్లో రాష్ట్రంలో దాదాపు 1000 మంది రైతులను ఆత్మహత్య చేసుకున్నారంటే ఈ రోజు రాష్ట్రం ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నదో ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. పోయిన నెల జూలై 15వ తారీఖు వరకు 870 మంది రైతన్నలు ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు లెక్కలు చెప్తా ఉన్నాయి. మరి ఈరోజు సెప్టెంబర్ 30వ తారీఖు వరకు దాదాపు 1000 మంది రైతన్నలు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే కనీసం చీమ కొట్టినట్టు కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేదు. ఈరోజు రైతన్న కుటుంబాలు రోడ్డున పడి మీరు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్తాయని చెప్పి ఎన్నో ఆశలతోటి ఈరోజు ఎదురు చూస్తా ఉంటే రైతన్నను మోసం చేసిన ఈ ప్రభుత్వం పూర్తిగా ఈ రోజు గడ్డ నెక్కినది రైతుల ఓట్లతో గడ్డ నెక్కారు. కాబట్టి ఈ రాష్ట్రంలో కేవలం రైతులు ఉన్న చోటనే కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది కానీ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల గెలవలేదు. అంటే రైతులే గెలిపించారు. అలాంటి రైతుల్ని మోసం చేసిన ఈ ప్రభుత్వం, రైతులని మోసం చేసిన ఈ ప్రభుత్వం మనుగడ సాగదని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రైతన్నలకు ఇచ్చినటువంటి హామీ నెరవేర్చే వరకు భారతీయ జనతా పార్టీ రైతన్న పక్షాన నిలబడుతుంది, రైతన్న పక్షాన పోరాటం చేస్తుంది. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మెడలు వంచి మీ అందరికి ఇచ్చిన హామీలు నెరవేరే వరకు మేము మీ వెంట ఉంటాం, మీ వెంట పోరాటం చేస్తామని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా ఈరోజు చనిపోయినటువంటి రైతన్నలు, దాదాపు 1000 మంది రైతన్నలు ఈ రాష్ట్రంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని అందరము 2 నిమిషాల పాటు మౌనం పాటించాల్సిందిగా మీ అందరినీ సవినయంగా కోరుతా ఉన్నాను. పార్టీలో జరుగుతున్న అవినీతి కుంభకోణాల పైన చాలా యాక్టివ్ గా ప్రజల ముందర తీసుకొస్తున్న విషయం మన అందరికి తెలిసిందే. ఇవాళ రైతుల పక్షాన రైతుల కోసం ఒక మాట మాట్లాడుతూ ఆయన చెప్పిండ్రు, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ ప్రభుత్వంలో ఉన్నదంటే దానికి కారణం రైతులే. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఏం సీట్లు రాలే, వాళ్ళకు వచ్చిన సీట్లన్నీ కూడా గ్రామాలలో వచ్చినాయి. రైతులు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు, నా చేతిలో చాలా కాగితాలు ఉన్నాయని కూడా చాలా మంది అనుకుంటారు. ఇవన్నీ కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టో, ఇందులో ఉన్నాయని కొన్ని యాడ్ చేస్తాము. వాళ్ళకి ఇంత పొడు మేనిఫెస్టో ఇచ్చిండ్రు, రైతులను మోసం చేసిండ్రు, మహిళలను మోసం చేసిండ్రు, యువతని మోసం చేసిండ్రు, ఎన్ఆర్ఐని మోసం చేసిండ్రు. ఇవాళ గద్దెనెక్కి అందరిని మర్చిపోయి, అన్ని వాగ్దానాలు మర్చిపోయి గరీబోలా ఇల్లు కొలగొడతారు. That's the wrap up of the Inside News. Keep watching CVR English.